हाय गाइज, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर के आए हैं, और यहाँ ये वीडियो मैंने खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया है जिन्होंने यूपी आरवी जनरल में TG2 का फॉर्म भरा है, और वो काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए आपको कुछ बातें हैं। सबसे पहले आपको अपडेट देंगे कि आपका एग्ज़ाम कौन सी कंपनी कराएगी, जिससे कि आप उसी कंपनी के पेपर्स पुराने हों उसको स्टडी कर सकें। यदि आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, जब आपका आयोग बदल गया, उत्पादन निगम से विद्युत सेवा आयोग हो गया है, तो विद्युत सेवा आयोग जो इस समय फॉर्म अप्लाई करा रहा है असिस्टेंट अकाउंटेंट के, जब आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद जब यहाँ एक आपका जो है लॉक का निशान दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे, और ये आपका फिर आ गया ऑप्शन कनेक्शन एंड सिक्योर, इस पर चले जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट आपका लिंक दिया है सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपकी जो है जो पूरी एग्ज़ाम फॉर्म के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं परीक्षा के, वो वहाँ देखिए TCS ही फॉर्म भरवा रही है, और इससे पहले भी जितने फॉर्म भरे गए हैं, जैसे UPPCL TG2 इसका भी फॉर्म भरा गया था, तो वो TCS के द्वारा ही भरा गया है, और इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, इसका भी आप चेक कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए, मैं आपको चेक करके और बता देता हूँ, जो TG2 है इसका, क्योंकि इन बच्चों का भी कमेंट आया था एग्ज़ाम कौन सी कंपनी कराएगी। तो देखिए, इस प्रकार से आप जब इसे चले जाएंगे आगे सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है कि कौन सी संस्था इसका जो है एग्ज़ाम कराएगी, तो यहाँ देख सकते हैं आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, यानी कि आपकी TCS ही आपका जो है एग्ज़ाम कराएगी। तो देखिए, पहले आपकी अपडेट होगी कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कराएगी, आपको TCS ही कंपनी एग्ज़ाम कराएगी। अब आपके बात करते हैं कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ बन सकते हैं, क्योंकि सेंटर्स जो आपने अपने फॉर्म भरे होंगे उस समय जो प्रेफरेंस दिया होगा वो अलग होगा, और जो UPPCL कराएगा, क्या आपसे UPPCL प्रेफरेंस मांगेगा या डायरेक्टली अपनी ओर से आपको एग्ज़ाम सेंटर दे देगा, इस बात पर भी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि देखिए, जो एक लिस्ट थी जो उत्पादन निगम की, जो सेंटर की लिस्ट थी, तो देखिए यहाँ देख सकते हैं कि जो सेंटर हैं आपके आगरा में है, अलीगढ़ में, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, इसके बाद मुजफ्फरनगर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गाज़ियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, मेरठ है। ये आपके 12 सेंटर्स की एक लिस्ट थी, नवीनतम जो है, इन पर ही एग्ज़ाम कराने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। लेकिन अब आपका आयोग बदल गया है, और वर्तमान में जो आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनमें केवल ये 4 सेंटर्स ही प्रेफरेंस में दिए गए हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है, वहाँ तक ये है कि जो परीक्षाएं आगामी समय में होने वाली हैं, वो टोटल आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी में ही होगी। अब माली सेंटर कम हैं यहाँ, तो आपके जो परीक्षा होगी वो अधिक पालियों में हो सकती है, कुछ दिन भी ज़्यादा ले सकते हैं पहले की अपेक्षा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि केवल 4 सेंटर मांगे जा रहे हैं प्रेफरेंस में। तो ये हो गया आपका कि सेंटर चेंज आपके होना ये सुनिश्चित है, आपके एग्ज़ाम वो अपने हिसाब से कराएगा विद्युत सेवा आयोग, कि उनको कहाँ पे आपको सेंटर देना है। अगर प्रेफरेंस मांगता है आपसे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको ऐसे ही डायरेक्टली अपने हिसाब से वो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर देगा। अब बात आती है जो परीक्षा के लिए अपडेट है कि आपके एग्ज़ाम कब होने हैं उत्पादन निगम की TG2 की, उस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हमारी विद्युत सेवा आयोग में जब बात हुई, अभी बात हुई है करीब आधा घंटे एक घंटे पहले, तो उसमें हमारी जिनसे बात होती है, जो हमारे मिलने वाले हैं, उनका ना तो हम नाम आपको ओपन करेंगे, ना ही उनका कोई भी ऐसा डिटेल जिससे कि कोई बात ऐसी आए कि हाँ हम अपनी पर्सनल जो गोपनीय जानकारी उसको शेयर करते हैं सबके साथ। तो उन्होंने उनसे जो बात हुई, उन्होंने बताया कि आपकी जो उत्पादन निगम TG2 की परीक्षा है वो अभी नहीं होगी, वो आपके 2023 के यानी कि जनवरी के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो जनवरी के सेकेंड वीक से आपके होल टिकट आने की संभावना रहेगी, उन्होंने ये भी बताया है। तो ये आपके उत्पादन निगम TG2 की अपडेट है, एग्ज़ाम उनका 2023 में जनवरी में संभावित है, क्योंकि अभी आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा इस महीने में, और नेक्स्ट महीने में हो सकता है कि आपका TG2 का एग्ज़ाम, UPPCL TG2 का एग्ज़ाम हो। इसलिए उन्होंने बताया कि आपकी जो है जो परीक्षा है वो जनवरी के लास्ट तक होने की संभावना रहेगी। तो ये थी आज की अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।